हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम मोबाइल। आज मेरे पास पोको का एक हैंडसेट आया हुआ है। इसका ग्लास कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन है, तो मैं सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आपको आसानी हो जाए कि ब्रोकन जो ग्लास होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्रोकन होते हैं, उसे हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, फ्रेम से रिमूव कर सकते हैं विदाउट डैमेज करे हुए। तो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है ये। जितना ग्लास ब्रोकन हो उतना हमें इजीली फ्रेम से बाहर निकालने में इन्हें मदद मिलती है। तो चलिए मैं भी आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो ग्लू लिक्विड होता है हमारा, ग्लू रिमूवर लिक्विड, वो ग्लू रिमूवर जो लिक्विड है हमें फ्रेम के सभी एजेस पे लगा लेना है, केयरफुली लगाना है। अमाउंट इतना नहीं रहना चाहिए उसका कि वो रिफ्लेक्टर तक के चले जाए। एक छोटा सा ब्रश लेके, कोई भी ब्रश ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सनशाइन का ब्रश लिया हुआ है, तो वो ब्रश से हमें थोड़ा थोड़ा इस पर फ्रेम पे लगाना है, और लगाने के बाद हमें डिस्प्ले थोड़ा सा हीट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए मैं एकदम हल्का हल्का सा लगा रहा हूँ, और देखिए लगाने के बाद देखो डिस्प्ले में कहीं पे कुछ गया नहीं है। ठीक है, तो आपको भी इस तरह केयरफुली उसको लगाना है, उसके बाद हमें इसको हीट करना है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको इसका एलसीडी चेक करवा देता हूँ पहले, ओपन करने के पहले। तो ये देखिए, ये कुछ हमारा एलसीडी है। देखिए इसमें वाइट बैकग्राउंड में आपको मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने लिक्विड लगाया, बट कितने केयरफुली लगाया कि इसमें कहीं पे लिक्विड गया नहीं रिफ्लेक्टर में। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मैं फ़ोन ओपन कर लेता हूँ पहले, तब तक मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिना स्किप किए देखना, तो ही आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो एजेस है जैसे मैंने बताया उस पर ग्लू रिमूवर लिक्विड लगाना है हल्का हल्का, और इसको हीट करना है। ठीक है, और जैसे ज़्यादा ब्रोकन जो फ़ोन्स होते हैं उसमें कोशिश करिए कि आप उसको चालू एलसीडी में खोलने का ट्राई करिए, चालू एलसीडी में वाइट बैकग्राउंड में खोलने का ट्राई करिए, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से एलसीडी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और एलसीडी फ्रेम से बाहर निकालने के लिए मैं इसमें ओसीए का जो वेस्ट पेपर होता है उसका यूज़ कर रहा हूँ, और एक कटर है, तो कटर से मैं पहले गैप बनाता हूँ और बाद में उसमें पेपर डालता हूँ। तो देखिए किसी भी एक कॉर्नर से हम इसमें गैप बना सकते हैं, जो आपको इजी और सेफ लगे उसमें आपको गैप बनानी है, और उसके बाद धीरे धीरे हमें पेपर को आगे आगे मूव करना है। ठीक है, और ग्लू रिमूवर लिक्विड डाल दिए तो वो बहुत इजीली फ्रेम से बाहर निकल जाता है। अभी आप देखेंगे, बस आपको डिस्प्ले ऑन करके उसको रिमूव करना है, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है। ऐसा ना हो आप पेपर घुमाते रहे और एलसीडी कब कब ब्रेक हो जाए, इसके लिए आपको एलसीडी को ऑन करके ही खोलना है, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए कि कहाँ हम पेपर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले टाइट चिपका हुआ है, या फिर यहाँ से पेपर इजीली मूव हो रहा है, तो ये हमें इजीली ऑन डिस्प्ले में समझ में आ जाता है। तो देखिए अभी मैं इसका एकदम इजी प्रोसेस में फ्रेम से एलसीडी रिमूव करता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जहाँ हमें लगता है कि हाँ अभी पेपर थोड़ा हार्ड जा रहा है या एलसीडी पे प्रेशर आ रहा है, तो वहाँ हमें थोड़ा सा ग्लू रिमूवर लगाना है। ठीक है, और डिस्प्ले हमारा थोड़ा हीट रहना चाहिए, ताकि ग्लू रिमूवर डिस्प्ले के अंदर तक के नहीं जाता, वो उसके पहले ही उसमें ग्लू रिमूवर में अल्कोहल रहता है, तो वो अल्कोहल उसमें ड्राई हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ब्रोकन है, तो मैं केयरफुली उस पेपर को ऑन डिस्प्ले में आगे आगे मूव कर रहा हूँ, तो देखिए डिस्प्ले में हमें समझ में आता है कि कहाँ पे प्रेशर आ रहा है। तो जहाँ पे पेपर थोड़ा टाइट मूव हो रहा हो, वहाँ पे हमें ग्लू रिमूवर लगाना है। देखिए ग्लू रिमूवर लगाने के बाद इजीली पेपर इधर उधर घूम जाता है, और एक बार उसमें गैप बन गई कि एलसीडी कितना भी ब्रोकन हो वो इजीली निकल ही जाता है। ठीक है, देखिए अभी धीरे धीरे आगे आगे हमें बढ़ते जाना है,
बस फोल्डर को हमें बीच बीच में हीट भी करते रहना है। अगर फोल्डर ठंडा हो जा रहा है तो हमें हीट करना है, क्योंकि हीटिंग से उसका जो रबर है वो वीक हो जाता है और वो फ्रेम से एलसीडी को छोड़ देता है। तो देखिए अभी मैं धीरे धीरे पेपर को आगे घुमाते जा रहा हूँ और हमारा एलसीडी फ्रेम से बाहर आने की प्रोसेस चालू है अभी। ठीक है, देखिए धीरे धीरे हमें ये काम करना है, जल्दबाजी करेंगे तो हमारा कॉम्बो ब्रेक हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको पूरे कंसंट्रेशन से ये काम करना है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है इस काम में। जहाँ आपने जल्दबाजी कर दी वहाँ पे आपका डिस्प्ले ब्रेक हो गया। देखिए अभी यहाँ पे येलो डॉट्स आ रहे हैं, तो वो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिस्प्ले में ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा एलसीडी को ऑन करके ओपन करिए। देखिए अभी यहाँ पे फिर से ग्लो रिमूवर का लिक्विड डाला और देखिए अभी इजीली ये पेपर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी ये मैंने ग्लो रिमूवर डाला है, ये देखिए अभी ये आगे चला गया। ठीक है, देखिए हमारा एलसीडी फ्रेम से सक्सेसफुली बाहर हो गया है। ठीक है, और जो नीचे का सेक्शन होता है जहाँ से हमारा पत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें हमें खींचना नहीं है या फिर एलसीडी को बेंड नहीं करना है वहाँ पे, वरना हमारा कॉर्नर ब्रेक हो जाता है, हमारे एलसीडी में लाइनिंग आ जाती है या एलसीडी ब्लैंक हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अभी देखिए फ्रेम से हमारा एलसीडी कंप्लीट निकल जाने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है एलसीडी सेपरेट करना। जो हमारा ब्रोकन ग्लास है उसमें से हमारा एलसीडी को सेपरेट करना। ठीक है, देखिए सेपरेटिंग करने के लिए जो ज़्यादा ब्रोकन ग्लासेस होते हैं उसमें आप हमेशा एक टेप लगा लीजिए। ठीक है, इसके दो फायदे, एक तो आपका वैक्यूम बहुत अच्छा पकड़ेगा इससे, हमारा जो सेपरेटर का जो वैक्यूम है वो टाइटली ग्रिप कर लेता है अगर हम उस पर टेप लगाते हैं तो। अदरवाइज़ क्या होता है, जो ज़्यादा ब्रोकन ग्लासेस रहते हैं उस पर हमारे जो सेपरेटर है उसका वैक्यूम इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, बीच बीच में एलसीडी को छोड़ देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको उस पर अच्छे से टेप लगा लेना है, और टेप लगाने के बाद हमें ना ये जो फोल्डर है, अगर ये ओरिजिनल कॉम्बो है तो इसके साइड में ओरिजिनल कॉम्बो जो कंपनी फिटेड आता है उसमें टेप लगा रहता है, ग्लू से नहीं चिपकाते उसको। ठीक है, डबल साइडेड टेप रहता है वो, तो वो टेप को हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। कई बार क्या होता है कि जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो टेप की वजह से जो थ्रेड है वो हमारे पोलराइजर में यानी कि हमारे फिल्म में पोलार में चले जाता है और हमारा पोलार कट हो जाता है। पोलार कट होने का एक ही रीज़न होता है जो मैंने अभी आपको बताया, वो उसके अलावा और कोई दूसरे रीज़न से पोलार कभी कट ही नहीं होता। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि पोलार कट क्यों होता है, पूरे वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब के। तो आपको उस जो टेप है उसको अच्छे से रिमूव कर लेना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप था हमने टेप लगाया, सेकेंड था हमारे को पूरी जो ग्लू है जो टेप है उसको रिमूव करना है, उसके बाद हमें इसको हीट करना है। तो देखिए जो ज़्यादा ब्रोकन ग्लासेस होते हैं उसको आप 80 से 90 डिग्री तक हीट कर सकते हैं, और उसके बाद हमें थ्रेड चलानी है। ठीक है, थ्रेड चलाने के टाइम पे जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट हमें घुमाना है, एक ही डायरेक्शन में थ्रेड को नहीं घुमाना है। ठीक है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली हमें थ्रेड को घुमाना है, और जहाँ हमें लगे कि थोड़ा हार्ड है तो रुक जाइए, एलसीडी को अच्छे से हीट होने दीजिए, फिर अपना प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे मैकेनिक का थ्रेड यूज़ कर रहा हूँ, 0.4 या 0.3 mm का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस पतले थ्रेड का यूज़ करने का जो मेरा मेन एम रहता है वो ये रहता है कि इससे एलसीडी ब्रेक बहुत कम होते हैं। अगर एलसीडी पे प्रेशर आ रहा है तो थ्रेड खुद टूट जाता है, एलसीडी बचा देता है। इसके लिए जितना हो सके 0.3 या 0.4 का थ्रेड यूज़ करिए। ठीक है, और देखिए मैं बिना एकदम ताकत लगाए एकदम धीरे धीरे सेपरेट कर रहा हूँ। देख रहे हो आप, ये वीडियो एक भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है सेपरेटिंग का, जो ओरिजिनल टाइम के साथ है वही है। देखिए कितना स्लोली कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही स्लोली करना है, और ताकत बिल्कुल भी नहीं लगानी इसमें। जब आपने ताकत लगाई समझ लीजिए एलसीडी में लाइन आ गई या डॉट आ गया। ठीक है, तो देखिए एकदम धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मैं इस पर सेपरेट कर रहा हूँ, और देखिए हमारा एलसीडी कंप्लीट सक्सेसफुली जो है वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, देखिए अभी हम आपको इसी चालू वीडियो में सेपरेटिंग के तुरंत बाद में आपको मैं इसका एलसीडी चेक करवा के दिखाता हूँ। देखिए हमारा एलसीडी सेपरेट हो चुका है, पूरा पोलराइजर भी सेफ है हमारा। ठीक है, देखिए मैं आपको इसी वीडियो में बिना किसी कट एडिट के आपको इसका जो ये
एलसीडी, वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है? देखिए वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये देखिए मैंने सेपरेटर हटाया, ये हमारा एलसीडी है, ये बोर्ड। देखिए आप मेरी मेथड फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक के देखा है तो मैं आपको 100% बताता हूँ कि आपका ज़्यादा ब्रोकन वाला एक भी एलसीडी ब्रेक नहीं होगा। इस मेथड को आप फॉलो करिए, फिर वो पंचुअल एलसीडी हो, वाटर ड्रॉप हो, एमोलेड हो, कोई भी एलसीडी रहने दो, ठीक है? ये मेथड आप फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? देखिए हमारा एलसीडी फुल सेफ है, मैं अभी आपको उसका टच भी चेक करवा के दिखाता हूँ। कोई लाइन नहीं, कोई डॉट नहीं, कंप्लीट न्यू जैसा एलसीडी हो जाएगा हमारा। कोई बोल भी नहीं पाएगा कि ये एलसीडी इतना ब्रोकन था। तो आप को मैं जो बताया ट्रिक्स, वो आप होप आपको सब समझ में आ चुका होगा। तो देखिए अभी हमारा फ़ोन बूट अप हो रहा है, ठीक है? तो ये देखिए हमारा एलसीडी पूरा ओके है, और ये थोड़ा वो सेंसर का इशू है, जो हमारा कॉलिंग सेंसर होता है उसका। मैं अभी आपको अच्छे से चेक करवा के दिखाता हूँ कि हमारा एलसीडी कंप्लीट वर्किंग है, ठीक है? ये देखिए ये वो बोर्ड फ्रेम से निकाला था, उसका इशू था। तो ये देखिए मैं भी आपको इसको पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। इसका पासवर्ड 2 मिनट में लिखा था कहीं पे, वो देख के मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ। देखिए अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि एलसीडी बार बार क्यों ब्रेक होते हैं, आप क्या मिस्टेक करते हो उस वजह से आपका एलसीडी ब्रेक हो जाता है, ठीक है? और ये एलसीडी बहुत ज़्यादा कच्ची आती है, जो एलसीडी मैं आज आपको बना के दिखाया है, ये एलसीडी बहुत लोगों के हाथ से ब्रेक होती है। MI 9A, 8A, 9 पावर, 9